Bull. कल मैंने होमवर्क के तौर पे आपसे कहा था, जो दो क्वेश्चन हमने क्लास में सॉल्व किए थे उन्हीं को आप वापस से सॉल्व करोगे, तो किया आपने? पक्का? देख के सॉल्व किया है बिना देख के? कितने लोग फिर भी गलत हुए? ऑनेस्ट इज द ओनली पॉलिसी. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. हां, आपके लिए सजेशन ये है, आप गलती आंसर करने में नहीं कर रहे हो, आप गलती क्वेश्चन पढ़ने में कर रहे हो. सो व्हेनेवर यू आर आंसरिंग द क्वेश्चंस, पहले आपको सवाल को ठीक से पढ़ना है. शुरुआत में समय ज्यादा लगेगा, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिस विल गेट रिड्यूस्ड. सो ऑल दोज हु हैव मेड द मिस्टेक इन yesterday's questions, they are simply suggested. When you are reading the question, read one line, think of that line, give the answer, go ahead. Do not think at the next line what you have done at the previous line. अगली लाइन सॉल्व करते समय आपको यह सोचने की जरूरत नहीं है कि पिछली लाइन वाले में आपने करेक्ट किया या गलत किया है, वो करेक्ट हो गया. Is the point right? क्योंकि आप ओवरथिंकिंग में जाओगे, आपके आंसर हमेशा गलत होंगे. आप सिंपल वे से सोचोगे, रीड द लाइन नॉट बिटवीन द लाइंस. अगर ऐसा हुआ तो, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है. फिर इफ एंड बट्स लगाओगे तो मेरे पास दुनिया भर के इफ एंड बट्स अवेलेबल हैं. दैट इज नॉट नीडेड. इज इट राइट? चलिए फिर आते हैं हम लोग अगले सवाल पे. क्वेश्चन नंबर 3, बढ़िया क्वेश्चन है ये, और इसे आप सॉल्व करोगे अभी के अभी. I don't expect you people to discuss the answer. अच्छा, next Sunday test है? हाँ, ये संडे नहीं, next वाले संडे. Accounts का BRS rectification, और हो सकता है मैं bill of exchange भी खत्म कर दूं. So those three topics will be there. आई होप आप क्लास के अलावा भी पढ़ाई कर रहे हो. जो क्लास में टॉपिक चल रहा है वो चलने दीजिए, उसके अलावा एक टॉपिक सेलेक्ट करके रखिए, वो अपने आप से रेगुलरली करते रहिए. हेलो हेलो,
एवरीवन इज एक्सपेक्टेड टू सॉल्व ऑन देयर ओन. ये थे व्यवस्थित.
डन, ए हुआ क्या तुम लोगों का, जिनका हो गया है वो आजू बाजू वालों को मत बताओ, तुम्हारा भी गलत बाजू वाले का भी गलत करवाओगे। चलो लेट्स चेक इट आउट। परफेक्ट प्राइवेट लिमिटेड हैज टू अकाउंट्स विद एवर बैंक लिमिटेड। द अकाउंट्स वर नोन एज अकाउंट वन एंड अकाउंट टू। एज एट 31st December 2005 द बैलेंस एज पर अकाउंट बुक्स रिफ्लेक्टेड द फॉलोइंग। अकाउंट वन रेगुलर बैलेंस 1,25,000। व्हाट डज दैट मीन? फेवरेबल बैलेंस। अकाउंट टू 1,11,250 overdraft balance. The accountant failed to tally the balance with the passbook and the following information was available. Logically, यहां पे ना आपने दोनों reconciliation अलग अलग करने चाहिए थे। पहले account one खत्म कर लो, account one से related सारी information उठा के, account two खत्म कर लो, account two की सारी information लेके। हम लोग जब वो दोनों एक साथ खत्म करने की कोशिश करते हैं ना, इधर अकाउंट वन का रिकंसिलिएशन उधर अकाउंट टू का रिकंसिलिएशन, फिर हम बनाते हैं उसमें खिचड़ी। और 90% ऑफ द टाइम आई हैव ऑब्जर्व्ड स्टूडेंट्स हैव रिटन द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अकाउंट वन, सोच बराबर रहे,
एडलेस करेक्ट सोचा है, पर लिखते समय अकाउंट वन का इंफॉर्मेशन अकाउंट टू में लिख रहे हैं, अकाउंट टू का इंफॉर्मेशन अकाउंट वन में लिख रहे हैं, एंड दैट इज वेयर योर आंसर्स गो रॉन्ग. राइट, द बैंक हैज चार्ज इंटरेस्ट ऑन अकाउंट टू एंड क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑन अकाउंट वन. तो अकाउंट वन में इंटरेस्ट मिला है या नहीं? अब मैं तो खैर तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूं, तुमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, तो यू हैव टू जस्ट क्रॉस चेक. अकाउंट टू की पहले बात करते हैं. इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, सीबीओडी, पीबीओडी, ओडीओडी. बैंक हैज चार्ज द इंटरेस्ट, मतलब बैंक ने आपका ओडी बढ़ा दिया, आपने अब तक के नहीं बढ़ाया. सीबी टू पीबी एड. वाई सीबी टू पीबी? बिकॉज बोथ अकाउंट स्टार्टिंग बैलेंस गिवन इज एज पर कैश बुक, आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. इज इट पॉइंट राइट? अकाउंट टू के लिए देखते हैं. सीबी बैल, पीबी बैल, बैल बैल. बैंक हैज क्रेडिटेड द इंटरेस्ट, मतलब बैंक ने बैलेंस बढ़ा दिया, हमने नहीं बढ़ाया. सीबी टू पीबी एड. 1250 बराबर है. नेक्स्ट, 12,500 drawn on December 10, 2005 from account 1 was recorded in the books of accounts 2. In fact, इसका तो हमने rectification करना चाहिए, right? या हमसे सिर्फ reconciliation पूछा है, तो हम सिर्फ reconciliation करेंगे. Is it one right? Account 1 का check drawn था, आपने account 2 में record किया. पहले account 1 पे focus करते हैं. CB BAL, TB BAL, BAL BAL. You have drawn the check, मतलब आपने बैलेंस कम करना चाहिए था, वो आपने कम नहीं किया, पर बैंक ने तो आपका बैलेंस कम कर दिया. Yes or no? Therefore, CB to PB less. Check drawn but recorded in wrong account. Is it point right? And then account 2, CBOD, PBOD, ODOD. आपने OD बढ़ा दी, पर बैंक ने आपकी OD नहीं बढ़ाई. क्यों बढ़ाएंगे भाई? चेक तो अकाउंट 1 का था, तो अकाउंट टू का ओडी क्यों बढ़ेगा? देयरफॉर सीबी टू पीबी लेस रुपीज 12,500. इज इट पॉइंट राइट? द चेक ऑफ डिफरेंट अकाउंट रिकॉर्डेड रॉन्गली इन कैश बुक. इज इट पॉइंट राइट? नेक्स्ट, बैंक चार्जेस 150 एंड 1125 ऑफ अकाउंट 1 एंड 2 वर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. पहले अकाउंट 1 पे फोकस करते हैं. सीबी बैल, पीबी बैल, बैल बैल. आपने सॉरी, आपकी बैंक ने चार्जेस लगाए, मतलब बैलेंस कम कर दिया, आपने नहीं घटाया क्योंकि आपने अब तक के रिकॉर्ड नहीं किया. सो सीबी टू पीबी लेस द गिवन अमाउंट और नॉट. देन जहां तक बात है 1125 की, दिस इज फॉर अकाउंट टू और नॉट. तो सीबीओडी, पीबीओडी, ओडीओडी, बैंक ने आपके चार्ज, आपके अकाउंट को डेबिट किया, मतलब बैंक ने आपका ओडी बढ़ा दिया, आपने अब तक के नहीं बढ़ाया. सीबी टू पीबी एड. बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. अकाउंट वन में लेस, अकाउंट टू के केस में एड, क्योंकि अकाउंट वन में फेवरेबल बैलेंस था, अकाउंट टू में ओवरड्राफ्ट है. हाँ या ना? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस? नेक्स्ट, अ डिपॉजिट ऑफ 17,500 इन अकाउंट वन वॉज रॉन्गली एंटर्ड इन अकाउंट टू. वो अकाउंट एच नहीं है, अकाउंट टू है. राइट, खैर उतने समझदार तो तुम हो, मेरे को मालूम है. सही समय पे वो समझदारी चली नहीं. हाँ, तो वापस वही कारी, पहले चेक ड्रॉन था, अब डिपॉजिट वाली बात है. आपने 17,500 डिपॉजिट करा है. सीबी बैल, पीबी बैल, बैल बैल. बैंक ने आपका बैलेंस बढ़ा दिया, आपने हाँ बढ़ाया. मैडम ऐसे क्या कर रहे हो? बढ़ाया है हाँ, क्योंकि तूने पैसे डिपॉजिट किए, तो बैंक ने तेरा अकाउंट वन का बैलेंस बढ़ा दिया, पर तूने अब तक के अपने अकाउंट में ही एंट्री नहीं की, इनफैक्ट गलत अकाउंट में कर दी. सो सीबी टू पीबी एड 17,500 कैश डिपॉजिट रिकॉर्डेड. सब बाउंसर जा रहा है क्यों भाई? कौन सी चीज समझ नहीं आ रही तेरे को? तो अकाउंट वन को अलग ट्रीट कर, अकाउंट टू को अलग ट्रीट कर, बाद में समझ आएगी शायद. राइट, नेक्स्ट. हाँ रुको रुको रुको, अकाउंट टू पे आते हैं. आप लोगों को समझ आ रहा है ना? पक्का ना? ऑनलाइन बाकी बैठे बच्चों? हाँ ऑनलाइन,
हाँ ओके फाइन, सत्रह 500 डिपॉजिट किस में किया आपने? अपने अकाउंट वन में। बैंक कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेगी? आपके अकाउंट वन को। पर आपने अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते समय कहां रिकॉर्ड किया? अकाउंट टू में। तो आपने अकाउंट वन की एंट्री अगर अकाउंट टू में कर दी, बैंक ने तो बराबर किया है ना। देयरफॉर सीबी बैल पी बैल 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 भाई अकाउंट वन है ना, शुरू से शुरू किया ना मैंने। हाँ सी बैल पी बैल बैल बैल, आपकी बैंक ने आपको क्रेडिट कर दिया, आपका बैलेंस बढ़ा दिया, आपने नहीं बढ़ाया। सो सीबी टू पीबी एड फॉर रुपीज 17,500 डिपॉजिट रॉन्गली रिकॉर्डेड इन अकाउंट टू, बराबर है। अब अकाउंट टू पे आते हैं। अकाउंट टू में क्या है? ओवरड्राफ्ट, सीबी ओडी पीबी ओडी ओडी ओडी। आपने ओडी घटा दी, क्यों? क्योंकि आपको लगा कि आपने अकाउंट टू में ही पैसे डिपॉजिट किए, पर बैंक को तो पैसे दिए नहीं, तो बैंक ने आपके अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया। अगर क्रेडिट नहीं किया मतलब ओडी भी नहीं घटाई, तो आपको रिकंसाइल करते समय क्या करना पड़ेगा? सीबी टू पीबी एड कैश डिपॉजिट ऑफ अकाउंट टू रॉन्गली रिकॉर्डेड इन अकाउंट वन, सॉरी अकाउंट वन रॉन्गली रिकॉर्डेड इन अकाउंट टू। बोलते वक्त पासबुक बैलेंस बोला है और आप कैशबुक के हिसाब से बात कर रहे हो, कहां लिखा है पासबुक बैलेंस है? बैलेंस एज पर अकाउंट बुक्स रिफ्लेक्ट द फॉलोइंग, मैं पीबी से सीबी जा रहा था, अंडरस्टूड बेटा? जून में क्लियर करना है अपने को, दिसंबर हो गया। और मैंने आज शुरुआत में क्या बोला, आज लेक्चर शुरू करते समय क्या बोला मैंने? फर्स्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली, इफ यू डू नॉट रीड आईसीआई विल ब्रेक योर हड्डी विच इज कॉल्ड एज रीड। हाँ कमाल कर रहे हैं यार। अकाउंट वन और टू ऑब्वियसली यार झगड़ा भी कर रहा है ये तब से। पासबुक होगा ना, क्यों ऑब्वियसली पासबुक होगा? कहां लिखा है पासबुक? लास्ट लाइन में नहीं, लास्ट लाइन में भी नहीं लिखा है यार, कहां है? द अकाउंटेंट फेल टू टैली द बैलेंस विथ पासबुक। बेटा हमारे कैशबुक के बैलेंसेस बैंक द्वारा दिए गए पासबुक के साथ मैच नहीं हुए थे, इसलिए हम हमारे कैशबुक को पासबुक के साथ मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, बस यही रीजन है मिसमैच का सीजन थ्री आ रहा है, पता है? सो लेट्स कम बैक। ओके मैं भी उसी में कंफ्यूज हुआ, नहीं नहीं तो जेन्युइनली आंसर ही कर रहा हूं बेटा, तेरे को मजाक थोड़ी कर रहा हूं मैं तेरे साथ। हाँ अब समझा?
ओके, टू चेक्स ऑफ 12,500 एंड 13,750 डिपॉजिटेड इन अकाउंट वन बट एंटर्ड इन अकाउंट टू इन बुक्स वेर डिसऑनर्ड. द एंट्रीज फॉर डिसऑनर्ड चेक्स वेर एंटर्ड करेक्टली इन अकाउंट टू. ये अलग पूछ रहा था ना तू. हाँ अच्छा, 12,500 और 13,750 के दो चेक थे जो अकाउंट वन से रिलेटेड थे, पर आपने अकाउंट टू में एंट्री कर दी, राइट? इसीलिए एक बंदे ने एक ही अकाउंट मेंटेन करना चाहिए, ऐसी गलतियां नहीं होती है. हाँ, नहीं तो फिर तुम कहीं कुछ और बोलना चाहते हो, कहीं कुछ और बोल के आ जाओगे दो दो अकाउंट मेंटेन करने में. सो वेल, ओके, दो चेक थे, कौन से अकाउंट के थे? अकाउंट वन के. कहां डिपॉजिट किए? अकाउंट वन में ही डिपॉजिट किए, डिपॉजिट अकाउंट वन में ही किए, पर एंट्री कहां कर दी? अकाउंट टू में, बराबर. अब ये चेक हो गया डिसऑनर, क्या बैंक आपको क्रेडिट करेगा? नहीं. उन डिसऑनर की एंट्री आपने अकाउंट टू में कर दी, बोला है ना, द एंट्रीज फॉर डिसऑनर चेक्स वेर एंटर्ड करेक्टली इन अकाउंट टू. डिपॉजिट की एंट्री भी अकाउंट टू में, डिसऑनर की एंट्री भी अकाउंट टू में हो चुकी ना, न तुमने बैलेंस बढ़ाए ना बैंक ने बैलेंस बढ़ाए, नो रिकंसिलिएशन रिक्वायर्ड, इग्नोर. एज द एंट्री फॉर डिपॉजिट एंड डिसऑनर बोथ आर ऑलरेडी इफेक्टेड इन अकाउंट टू, देयरफॉर नो रिकंसिलिएशन रिक्वायर्ड. वहां लिखो, क्यों इग्नोर कर रहे हो तुम, तुम्हारी जानकारी के लिए. As the entry for deposit as well as dishonor, as the entry for deposit as well as dishonor is already made therefore no reconciliation required. नहीं नितिन भाई, नहीं, बिल्कुल नहीं. राइट, नेक्स्ट वन, चेक्स इश्यूड फॉर रुपीज 1,50,000 एंड 15,000 फ्रॉम अकाउंट्स वन एंड टू रिस्पेक्टिवली वर प्रेजेंटेड टिल 5th of January 2006. सॉरी, वेर नॉट प्रेजेंटेड, आई एम सॉरी. हाँ, मतलब 31st December 2005 को तो एनीवेज आउटस्टैंडिंग थी, है ना, आपने चेक इश्यू कर दिए पर वो अब तक के बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए. पहले अकाउंट वन की बात करते हैं. 1,50,000 के चेक अकाउंट वन के हैं और 15,000 के चेक अकाउंट टू के हैं, है ना, रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है. सो सिवैल बैल बैल बैल, यू हैव इश्यूड द चेक्स, यू हैव रिड्यूस द बैलेंस, बट द बैंक हैज नॉट येट रिड्यूस द बैलेंस. तो क्या करोगे? सीबी टू पीबी एड 1,50,000. एम आई गोइंग गुड? वेयर एज दूसरा वाला 15,000 के चेक्स सीबीओडी पीबीओडी ओडीओडी अकाउंट टू में आपने इश्यू किए, मतलब आपने ओडी बढ़ा दी, बैंक ने अब तक के ओडी नहीं बढ़ाई. सो सीबी टू पीबी लेस 15,000 और नॉट. Is it not right? Yep. Next one. Checks deposited rupees 1,25,000 and 1,17,500 in the accounts 1 and 2 respectively were created by bank only on 2nd of February. Matlab ye ki these were deposited but not credited by bank. Hai na? Sival. Pival. Bal bal. CB bal increased. PB bal not increased.
सीबी टू पीबी लेस 1,25,000 अकाउंट वन में है ना, अकाउंट टू में सीबी ओडी पीबी ओडी 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 यू हैव डिक्रीज्ड द ओवरड्राफ्ट। व्हाई डिक्रीज द ओवरड्राफ्ट? डिपॉजिट है, डिपॉजिट्स डिक्रीज द ओवरड्राफ्ट और नॉट? बैंक ने अब तक के ओडी नहीं घटाया, सो सीबी टू पीबी एड रुपीज 1,17,500। यू गेट दैट? समझ आई सारी बातें? कितने लोग ऑल करेक्ट थे? ऑल करेक्ट, ओके। कितने लोगों ने स्टेटमेंट नंबर 5 में मिस्टेक की? डिपॉजिट एंड डिसऑनर वाली एंट्री। रीड द स्टेटमेंट्स एंड देन गिव द इफेक्ट्स, राइट? हाँ, बाकी जिन्होंने अगर बाकी स्टेटमेंट्स में मिस्टेक किए हैं तो दे आर सपोज टू वरी अबाउट इट, दे हैव टू रिसॉल्व द क्वेश्चन, राइट? इनफैक्ट सब नहीं करना चाहिए। लेट मी कम टू क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, बैलेंस तो बताओ। अकाउंट वन बैलेंस एज पर पासबुक इज 156,500 फेवरेबल बैलेंस 100। एंड अकाउंट टू 231,250 ओवरड्राफ्ट, इज इट राइट? वाह, बहुत सारे लोगों का करेक्ट है। आदित्य, फिर भी तेरा आंसर करेक्ट आया, ये सही है। ओके, द बैंक पासबुक, बैंक पासबुक, व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट नाउ? पासबुक ऑफ अकाउंट नंबर 5678 ऑफ मिस रानी शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 33,575 ऑन 31st of March 2018। ऑन गोइंग थ्रू द पासबुक द अकाउंटेंट फाउंड द फॉलोइंग, योर स्टार्टिंग बैलेंस इज नाउ पासबुक, सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू गिव द ट्रीटमेंट और नॉट? चलो सॉल्व करो नाउ।
मैंने डिस्कस नहीं करने के लिए क्यों बोला पता है क्या? मेरे को यह नहीं पता लगाना है कि तुमको आता है या नहीं आता है, वो तुमको खुद को पता लगाना है। और ऑनलाइन वाले बेचारे करते हैं क्या किसी के साथ डिस्कस? करते हैं कि नहीं? खुद का खुद बैठ के सॉल्व। ये इसने आधे क्लास आधे से ज्यादा क्लासेस ऑनलाइन किए हुए हैं। समझ आ रहा है मेरे को सब चीज? धीरे धीरे सबकी पोल खुलेगी एक एक करके, कौन क्या क्या मिस्टेक किया है। ओके सर, एक तो ओवरड्राफ्ट ऊपर से पासबुक दोनों में गड़बड़ हो रही है।
यूट्यूब पर लाइव कितने दिन है? परसों तक एक दिन एक्सटेंड करवाया मैंने। ओके चेक करते हैं जरा, आप इनफैक्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको बताया गया ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक इज 33,575। ओडी एज पर पासबुक, वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 5, इज 33,575। बराबर। पहला स्टेटमेंट, चेक ऑफ 1080 क्रेडिटेड इन द पासबुक ऑन 28th ऑफ मार्च बीइंग डिसऑनर्ड इज डेबिटेड अगेन ऑन 1st ऑफ अप्रैल। देयर इज नो एंट्री इन द कैश बुक अबाउट द डिसऑनर ऑफ चेक अप टिल 15th ऑफ अप्रैल। आप रिकंसिलिएशन कर रहे हो 31st मार्च का, आपने बैंक में एक चेक जमा करवाया, बैंक ने जैसे आपने चेक जमा करवाया आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब वो चेक हो गया डिसऑनर, जब चेक डिसऑनर हुआ तो बैंक ने आपके अकाउंट को कर दिया डेबिट। कब डेबिट किया? 1st अप्रैल को। मतलब 31st मार्च को बैंक में क्रेडिट का क्रेडिट ही रहा या नहीं, वो रिवर्स हुआ क्या? बैंक ने क्रेडिट किया, हमने बैंक को डेबिट किया, बोथ द बैलेंसेस आर बैल बैल और नॉट या ओडी ओडी, द अमाउंट्स विल नॉट गेट अफेक्टेड। देयरफॉर फर्स्ट स्टेटमेंट नीड टू बी इग्नोर। Why? The given transaction is reflected in both cash book as well as passbook on 31st March, and that's the reason it is not a reason for difference. अपनी समझदारी के लिए लिखो। कुछ होते हैं एग्जाम के लिए पॉइंट टू रिमेंबर, ये होते हैं आपके लिए पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, पाउ, पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, राइट डाउन। द डिसऑनर्ड चेक इज क्रेडिटेड बाय बैंक बिफोर 31st मार्च and entered in Rani's books as well therefore on 31st March it is not a reason for difference on 31st March it is not a reason for difference। ठीक है, next one, bankers had credited her account with ₹2,800 for interest collected by them on her behalf but the same has not been entered in her cash book। CBOD, PBOD, ODOD, banker has credited for interest, मतलब bank has reduced the overdraft or not, क्रेडिट किया हुआ है, डेबिट होता तो ओडी बढ़ जाता, क्रेडिट किया है तो ओडी घटेगा या नहीं, पर हमने अब तक के नहीं घटाया। पीबी टू सीबी एड द अमाउंट ऑफ 2,800, सो एड इंटरेस्ट नॉट रिकॉर्डेड, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, इन कैश बुक रुपीज 2,800। नेक्स्ट, आउट ऑफ 20,500 पेड इन बाय मिसेस रानी इन कैश एंड चेक्स ऑन 31st मार्च 2018, चेक्स अमाउंटिंग टू 7,500 वर कलेक्टेड ऑन 7th ऑफ अप्रैल, व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 13,000?
that must be either cash or that is already credited or not. So reason for difference here becomes only 7,500 or not. Yes or no? CBOD, PBOD, ODOD. You have decreased the OD by 7,500, but the bank has not decreased it. Starting balance kya hai? Passbook to cash book less 7,500 less deposit not credited 7,500. Is it right? Next, out of checks amounting to rupees 7,800 drawn by her on 27th of March, a check of 2,500 was encashed on 3rd of April. Baki ke 5,300 ka kya hai? Those are already presented before 31st March itself or not? So reason for difference again becomes what? Only 2,800 and not 5,300. I'm sorry, 2,500 and not 5,300. Why so? जो आपके रिकंसिलिएशन डेट के बाद क्रेडिट या डेबिट हो रहा है दैट विल बी द आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑन 31st मार्च और नॉट. यस और नो? सीबीओडी, पीबीओडी, ओडीओडी. आपने ओडी बढ़ा दी 2,500 से, बैंक ने नहीं बढ़ाई. सो पीबी टू सीबी एड 2,500 अनप्रेजेंटेड चेक्स. Rupees 2,500. Is it right? Next, banker seem to have given her, here nahi, her wrong credit of 500 paid in her account in number 8756 and wrong debit in respect of check rupees 300 in relation to account number 8765. Ab Rani Madam ke bhi bank mein do account hai. Ek hai 5678, dusra hai 8765. अब रानी मैडम ने कुछ अमाउंट डिपॉजिट की रहेगी किसमें? 8765 में. उस अकाउंट को क्रेडिट करने के बजाय बैंक ने कौन से अकाउंट को क्रेडिट कर दिया? इन 5678 और नॉट. 500 रुपए डिपॉजिट कहां हुए थे? रीड द स्टेटमेंट अगेन प्लीज, ऑब्जर्व इट. Bankers have seem to have given her wrong credit of 500 paid by her in account number 8765. She had paid the money in which account? 8765. But bankers have given the credit to which account? जिस account का हम लोग reconciliation कर रहे हैं, मतलब 5678 or not. So it is nothing but wrong credit by bank or not. CBOD, PBOD, ODOD. Bank ने wrong credit दे दिया, bank ने OD घटा दी. आपने ओडी नहीं घटाई क्योंकि आप तो किसी और अकाउंट में क्रेडिट कर चुके हो, डेबिट कर चुके हो. यस और नो? सो पीबी टू सीबी एड है ना, रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक रुपीज 500. उसी तरह से आपने, आपको एक रॉन्ग डेबिट भी हुआ है. 8765 के अकाउंट में से पेमेंट की थी पर बैंक ने आपके 5678 को डेबिट कर दिया. सीबीओडी, पीबीओडी, ओडीओडी. बैंक हैज इंक्रीज द ओवरड्राफ्ट, यू हैव नॉट इंक्रीज इट. पीबी टू सीबी लेस रुपीज 300. सर इसको नेट डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? नहीं, यू शुड बी राइटिंग इट सेपरेटली. Is it one right? Bank. अच्छा ये वाला खत्म होने के बाद मैं एक मेरा क्वेश्चन दूं क्या? नहीं, कंसेप्ट खत्म कर लेते हैं पहले. चुप, अभी इतना जल्दी डीमोरलाइज करने का मतलब नहीं है. हाँ, जितने लोग जानते हैं माय क्वेश्चन, दू एक क्वेश्चन. हाँ बोल, 500 वाला फिर से बताऊं. सीबीओडी, पीबीओडी, ये हमारा 5678 वाला अकाउंट,
बराबर, सी बी पी बी, ये हमारा 8765 वाला अकाउंट, बराबर। हमने 8765 में 500 रुपए बढ़ाए थे, पर बैंक ने हमारे 5678 का 500 रुपए कम कर दिया। रॉन्ग डेबिट है ना, सॉरी रॉन्ग क्रेडिट है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा? अगर हम लोग इसको तो इस ये रिकंसिलिएशन तो हम लोग कर ही नहीं रहे, हम लोग रिकंसिलिएशन कौन सा कर रहे हैं? 5678 वाला कर रहे हैं नहीं, तो हमें 5678 के पासबुक से 5678 के कैशबुक तक जाने के लिए क्या करना चाहिए? एड, तो वही किया ना अपने, गॉट इट? और 300 इज एग्जैक्टली रिवर्स ऑफ दिस। हाँ, और किसी का शंक, कोई शक, सवाल, क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट या प्रॉब्लम? हाँ ठीक है, वापस आ जाओ, नहीं पूछूंगा मेरा सवाल, डोंट वरी। हाँ, मैं तो सिर्फ जानना चाहता था तुम्हें हिम्मत वापस आई है या नहीं। नहीं आई है? हाँ आई है। नहीं नहीं, खत्म करने के बाद, हर टॉपिक खत्म करने के बाद में एक मेरा वाला क्वेश्चन आएगा, राइट? हर टॉपिक खत्म करने के बाद, राइट? हाँ, वो सॉल्व करके दिखा देना बस, है जी? अ बिल रिसीवेबल फॉर रुपीज 5200, अच्छा रह गया, सॉरी, अ चेक ऑफ 1000 एंटर्ड इन कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक्ड ऑन 31 मार्च। हमने हमारे कैश बुक में एंट्री कर दी चेक डिपॉजिट की, बैंक में चेक लेके गए, उसको चेक दिखा के हम लोग वापस आ गए, डिपॉजिट किया ही नहीं। इन दिस केस सीबीओडी पीबीओडी ओडीओडी, यू हैव शोन द डिपॉजिट का एंट्री, मींस यू हैव रिड्यूस द ओवरड्राफ्ट और नॉट, बट द बैंक हैज नॉट रिड्यूस, बैंक के पास चेक ही नहीं, आपका बैलेंस कम कैसे करेगी? सो सीबी टू पीबी, आई एम सॉरी, पीबी टू सीबी लेस, यस और नो? चेक अनबैंक्ड रुपीज 1000, इज इट राइट? आपसे क्वेरी कहां पूछ सकते हैं? तो तू यहां चैट बॉक्स में क्या कर रहा है? सर आपके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो पास हो जाएंगे क्या? अबे पहले क्वेश्चन तो सॉल्व कर, वही रियलाइज हो जाएगा, छोड़ यार, कोई और कोर्स ढूंढते हैं। एनी वेज, हो जाएगा, हो जाएगा बेटा। अब बिल रिसीवेबल फॉर रुपीज 5200 प्रीवियसली डिस्काउंटेड, डिस्काउंट बिंग 200 with the bank had been dishonored but advice was received on 1st of April. Please try and understand a point. जब कभी भी bill discounted dishonor की amount आती है, bill discounted dishonor की entry आती है, उसमें discount का amount ये लोग आपको सिर्फ confuse करने के लिए देते हैं। क्यों? जब कभी भी कोई discounted bill अगर dishonor होगा तो in that case पूरा bill amount will be debited to your account. So whenever bill discounted is dishonored, the discount amount is always for the confusion. It is not to be considered. Is it right? CBOD, PBOD, ODOD. Bank ne aapka OD bada diya. Kyo? Dishonor hua to bill debit kiya hai nahi? Debit kiya to OD badaya? Aapne nahi badaya. PB to CB less. Bill dishonor. Not recorded in cash book. Rupees 5200. Is it right? Next, a bill of 10,000 was retired or paid by the bank under a rebate of 175, but the full amount of the bill was credited in the bank column of the cash book.
आपने लिखना चाहिए था 9825, पर आपने लिख दिया 10,000, है ना? रिटायर्ड मींस पेमेंट और नॉट? अगर बैंक आपके बिहाफ पे बिल रिटायर कर रहा है, बिल पे कर रहा है या नहीं, है ना? सीबीओडी, पीबीओडी, ओडीओडी, बैंक ने आपका बिल का पेमेंट कर दिया, बैंक ने आपका ओडी बढ़ा दिया, कितने से? 9825, कहां से लाया मैंने? 10,000 का बिल माइनस रिबेट ऑफ 175, सो 9825 से बैंक ने ओडी बढ़ा दिया आपका, पर आपने ओडी कितने से बढ़ाया? 10,000, देयरफॉर पीबी टू सीबी एड ओनली 175 रिबेट रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम 175, am I right? Next, a check for rupees 2,400 deposited in bank but omitted to be recorded in cash book was collected by bank before 31st March itself. पहले चेक की एंट्री करता है वो बैंक नहीं कर रहा है, अब चेक डिपॉजिट कर रहा है उसकी एंट्री नहीं कर रहा है, खतरनाक अकाउंटेंट है, कैसे सह रही है रानी इनको पता नहीं, पर रानी है ना, हाँ, मिसेस रानी, हाँ, 2,400 का चेक डिपॉजिट हुआ बट रिकॉर्ड नहीं हुआ, सीबीओडी, पीबीओडी, ओडीओडी, बैंक हैज रिड्यूस्ड योर ओवरड्राफ्ट बट यू हैव नॉट रिड्यूस्ड इट, सो पीबी टू सीबी एड 2,400 अनरिकॉर्डेड चेक रुपीज 2,400, एम आई राइट? तो बोलो टोटल ऑफ अमाउंट, 5,300, 5,800, 5,600, 8,200, 8,375, 7,8,13,14,000, छ 5,625, हाँ 23,950, 27,950 इज द ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ठीक है? दैट कौन सा वाला, कौन सा क्या है? 10,000 का बिल था तेरा जिसके अगेंस्ट तेरे को पेमेंट करना बाकी थी, बैंक ने उसको पे कर दिया अंडर अ रिबेट ऑफ 175, मतलब बैंक ने पेमेंट कितना किया? 9825, तो बैंक इज डेबिटिंग योर अकाउंट बाय हाउ मच अमाउंट? तूने बैंक को क्रेडिट कितने से करना चाहिए था, पर तूने कितने से क्रेडिट किया? 10,000, मतलब तूने ओडी 175 से ज्यादा बढ़ाया या नहीं? हाँ, और किसी का कोई शक सवाल? ऑल गुड, हाँ, एक एक करके सारे ही पूछ लो वापस से, एक बोलता है एट वाला, दूसरा फोर्थ वाला, तीसरा बंदा बोलेगा सर सेवंथ भी बता ही दो वापस से, पहले क्या बुबू कर रहा था मैं, होता है ना वो बचपन में करते हम लोग ऐसे बम 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 बम, खाली बैठे रहते ना, समझता भी कुछ नहीं करना क्या है जिंदगी में, एक्चुअली जिंदगी वैसी होनी चाहिए, है ना? कोई एग्जाम नहीं, कोई सोचने का काम नहीं, कौन अपने बारे में क्या सोच रहा है, अपने को किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, नो जजिंग द पीपल, जहां मन आए वहां खाओ, जहां मन आए जैसे खाओ, आम का सीजन है ऑलरेडी, है ना? याद है तुमको तुम्हारे बचपन के फोटो बचा के रखे हो घर वालों ने तुम्हारे आम खाए हुए, ना? और स्पेशली इस सीजन में वाइट कपड़े ला के देते थे आम खाने के लिए, एक ही बार बस, हाँ बाकी तो तुम आम खा के दिखाओ खराब तरीके से, थर्ड अगली बार से तेरा आम बंद, बंदा बोलता मैं हूं ही खास, हाँ वेल एनीवेज फोर्थ ट्रांजैक्शन, तो आउट ऑफ चेक्स अमाउंटिंग टू रुपीज 7,800 ड्रॉन बाय हर ऑन 27th ऑफ मार्च, अ चेक ऑफ 2,500 वॉज इनकैश्ड ऑन 3rd ऑफ अप्रैल,
तुमने 7,800 रुपए के चेक जमा करवाए थे, नहीं ड्रॉन मतलब इश्यू किए थे, में से 2,500 का ही ऐसा चेक है जो 3 अप्रैल को प्रेजेंट हुआ। मतलब हमने क्या अज्यूम किया, बाकी 5,300 के जो चेक्स हैं वो ऑलरेडी 31 मार्च को क्रेडिट सॉरी डेबिट हो चुके हैं बैंक में, तो बचा क्या, सिर्फ 2,500। इसलिए रिकंसिलिएशन भी हमने सिर्फ 2,500 किया। सीबीओडी पीबीओडी ओडीओडी, यू हैव इंक्रीज द ओवरड्राफ्ट बाय 2,500 बट द बैंक हैज नॉट इंक्रीज इट, देयरफॉर पीबी टू सीबी एड, गॉट इट। हाँ एक एक करके पूछ लो। फर्स्ट वाला तो मैडम बड़ा सिंपल है, बैंक नॉर्मली क्या करता है, आपके अकाउंट को तब तक क्रेडिट नहीं करता है जब तक पैसा ना मिल जाए। पर इन द अर्लियर डेज देयर यूज्ड टू बी अ डिफरेंट सिस्टम, व्हाट वाज दैट सिस्टम, जैसे आप बैंक में चेक जमा करवाओगे बैंक पहले आपको क्रेडिट करेगा, अगर वो चेक क्लियर हो गया तो दैट्स गुड, ऑलरेडी योर अकाउंट इज क्रेडिटेड। पर अगर वो चेक क्लियर नहीं होता था तो बैंक वुड रिवर्स द इफेक्ट ऑफ दैट, और वो यहां किया गया। जब आपने चेक जमा करवाया उस समय पे आपके अकाउंट को क्रेडिट किया गया, पर वो चेक क्योंकि बाउंस हो गया, क्योंकि डिसऑनर हुआ, तो आपके अकाउंट को वापस डेबिट किया गया, पर कब, ऑन 1st of April, मतलब 31 मार्च को तो तुम्हारे बैंक अकाउंट में वो पैसा पड़ा था या नहीं, तुमने बैंक को डेबिट किया, बैंक ने तुमको क्रेडिट किया, हाउ कैन दैट बी अ रीजन फॉर डिफरेंस, गॉट इट। हाँ या थर्ड वाला बेटा, थर्ड वाला इज एग्जैक्टली सेम एज द फोर्थ वन, व्हाट आई जस्ट एक्सप्लेन, डिफरेंस सिर्फ रहता है ऐसा है कि वहां पे चेक्स डिपॉजिटेड है और यहां पे चेक्स ड्रॉन था, बस राइट। सो दिस वॉज अबाउट द कंसेप्ट रिलेटेड टू द रिकंसिलिएशन फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ पासबुक। क्वेश्चन नंबर 6 and 7, कितने समझदार बच्चे हो ना तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 and 7 गोज एज होमवर्क एंड एक कंसेप्ट जो आखिरी बची हुई है इसमें, दो कंसेप्ट इनफैक्ट, एक निगेटिव एंडिंग बैलेंस की और दूसरी एडजस्टेड कैश बुक की, ये दो कंसेप्ट बची हुई है, ये दो कंसेप्ट हम लोग कल डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक को खत्म करेंगे। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। तोड़ तू तोड़।